जय हिंद साथियों, आज हम अपने इस नई क्लास में आगामी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की लिखित परीक्षा को समझेंगे। हमारी जो अगली क्लास थी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2021 के संदर्भ में मूल विधि की, उसमें हम आज देखेंगे भारतीय दंड विधान की, आईपीसी। और हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के विषय को, और जिसका नाम है आईपीसी 1860, भारतीय दंड विधान 1860। अभी तक साथियों हमने देखा था अपनी पिछली कक्षा में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, क्या देखा था, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, ये इतनी बातें अभी तक हमने देखी थी। और इसमें हमने कुछ धाराओं को देखा था, धारा 99 आईपीसी और धारा 100 आईपीसी। साथियों धारा 99 आईपीसी में हमने देखा था कि किन कंडीशंस में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अधिकार को न्याय नागरिकों को प्राप्त है, और किन कंडीशंस में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ये बातें हमने अभी तक देखी थी धारा 99 और धारा 100 आईपीसी में। धारा 99 आईपीसी ये बताया, आईपीसी के हिसाब से ये हमें पता चला कि यदि कोई लोक सेवक, यदि कोई लोक सेवक किसी कार्य से, यदि लोक सेवक द्वारा कोई कार्य किया जाता है जिसमें कोई जान माल का नुकसान नहीं होता है तथा जिसमें किसी घोर उपहत की आशंका नहीं रहती है, ऐसी परिस्थिति में हमें जान माल का कोई नुकसान अगर नहीं है और घोर उपहत की आशंका नहीं है तो लोक सेवक द्वारा किए गए ऐसे कार्य के संबंध में हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं होगा। और इसमें एक बात और हमने देखी कि अगर किसी लोक सेवक के आदेश से कोई कार्य किया जाता है, मान लीजिए किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा, जैसे मान लीजिए कि किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा कोई गिरफ्तारी अगर की जाती है, एक बात मैं और यहां चर्चा कर लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी कि प्राइवेट, अभी आप सोचेंगे कि एक प्राइवेट व्यक्ति मतलब साधारण सा आदमी सिविल सोसाइटी का, वो कैसे गिरफ्तारी कर लेता है या कर सकता है, इसकी मैं जरा सा चर्चा कर लेता हूं आपके सामने। अभी जब हम सीआरपीसी पढ़ेंगे तब हम इसकी चर्चा एक बार फिर से करेंगे, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं कि सीआरपीसी की धारा 43, सीआरपीसी की धारा 43, सीआरपीसी की धारा 43 के अनुसार कोई भी प्राइवेट व्यक्ति, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति
गिरफ्तारी कर सकता है। सामान्य आदमी भी किसी की गिरफ्तारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 43 या सीआरपीसी की धारा 43 के तहत कर सकता है। मान लीजिए कि किसी लोक सेवक के आदेश से कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी की गिरफ्तारी करता है, जैसा कि हमने अभी बताया धारा 99 के तहत कि यदि लोक सेवक के आदेश से कोई कार्य किया जाता है और उस कार्य में भी किसी जान माल का जोखिम नहीं है और घोर उपहति की आशंका नहीं है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी थाने के थानाध्यक्ष महोदय कहीं दबिश देने जाते हैं और बदमाश भाग रहा है और किसी अन्य आदमी के नजदीक वो बदमाश पहुंचा है और एसओ साहब या थानाध्यक्ष महोदय ने कहा उस प्राइवेट व्यक्ति से कि आप उस बदमाश को गिरफ्तार कर लीजिए और वह प्राइवेट व्यक्ति थानाध्यक्ष महोदय की आज्ञा मानकर उस प्राइवेट व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है, तो जिसको गिरफ्तार करने के लिए प्राइवेट व्यक्ति आगे बढ़ता है अगर उसकी जान माल का कोई नुकसान नहीं है और घोर उपहति अर्थात गंभीर चोट की कोई आशंका नहीं है, ऐसी स्थिति में उस बदमाश के पास प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई भी अधिकार नहीं होगा। और एक कंडीशन और इसमें हमने चर्चा की थी कि यदि यदि किसी लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त करने का आपके पास समय है, यदि किसी लोक प्राधिकारी की सहायता प्राप्त करने का आपके पास समय है तो ऐसी परिस्थिति में भी आपके पास प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं होगा। ये बातें हमने पढ़ी थी धारा 99 में और उसके बाद हमने धारा 100 आईपीसी में पढ़ा था कि किन किन परिस्थिति में आप के ऊपर यदि हमला होता है तो आप हमलावर की मृत्यु तक कर सकते हैं। जैसे चार बातें हमने चर्चा की थी, पहला यदि किसी यदि मृत्यु या घोर उपहति होने की आशंका हो, मृत्यु या घोर उपहति, दूसरा बलात्संग के आशय से हमला, तीसरा अप्राकृतिक काम तृष्णा के आशय से हमला, अप्राकृतिक काम तृष्णा के आशय से हमला, और चौथा एसिड अटैक। ये चार बातें हमने धारा 100 आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 100 में हमने पढ़ा था कि किन किन परिस्थिति में आप हमलावर की मृत्यु तक कर सकते हैं अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अधीन। और इसमें हमने देखा था मृत्यु या घोर उपहति होने की आशंका हो या किसी महिला पर बलात्संग के आशय से हमला किया गया हो, आप प्राकृतिक काम तृष्णा के आशय से कोई हमला हो अथवा किसी महिला अथवा पुरुष पर तेजाब फेंक कर चेहरा झुलसाने या तेजाब से हमला करने की कोई आशंका हो एसिड अटैक, तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय नागरिकों को दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के अधीन निहित उपबंधों के अनुसार आपके पास यह अधिकार होगा कि आप हमलावर की मृत्यु तक कर सकते हैं। ये बातें अभी तक हम लोगों ने सीखी थी और अब हम चलते हैं अपनी अगली धारा में और ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है जिसका अध्ययन हम अभी करेंगे। और अगली जो हमारी धारा है वह है
धारा 107। साथियों, भारतीय दंड विधान की जो धारा 107 है, यह दुष्प्रेरण से संबंधित है। दुष्प्रेरण से, जैसा कि आप, इसमें दो शब्द हैं दुष्प्रेरण में। पहले शब्द है, लास्ट से देखिए, प्रेरण। प्रेरण का अर्थ है प्रेरण। प्रेरण अर्थात किसी कार्य के लिए किसी को प्रेरित करना। और इसमें आगे लिखा है दुष्प्रेरण अर्थात किसी गलत कार्य के लिए किसी को प्रेरित करना और उससे गलत कार्य करवा देना। जैसे किसी को दुष्प्रेरण अर्थात उकसाना। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के साथ हम एक समझते हैं, दो पड़ोसी हैं जिनका घर अगल बगल है। एक का नाम है राम और एक का नाम है रोहन। राम और रोहन दो पड़ोसी हैं और एक यहां तीसरा भी पड़ोसी है। जिसका यहां पे घर है और इसका नाम है सोहन। तो दो पड़ोसी, एक का नाम है राम, एक का नाम है रोहन। ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। इनका घर पड़ोस में है, राम और रोहन का। राम और रोहन, रोहन और एक राम। और एक तीसरा भी पड़ोसी है जिसका घर है यहां और उसका नाम है सोहन। अब राम और रोहन के घर के मध्य ये जो जमीन है, राम और रोहन के मध्य इसी जमीन के चलते विवाद है। और सोहन आकर रोहन से कहता है कि तुम राम की हत्या करके इस जमीन को हथिया लो, या भयोपहत करके, भय दिखाकर राम को, या गाली गलौज करके, या मारपीट करके। सोहन ने आकर रोहन से कहा कि इस जमीन को हथियाने के लिए तुम बल का प्रयोग राम के ऊपर करोगे तो ये जमीन तुम्हें मिल जाएगी। अब रोहन ने जब बात सुनी तो रोहन को लगा कि हां, अब मुझे मारपीट कर लेनी चाहिए। तो सोहन ने जो कार्य किया, सोहन ने राम और रोहन के बीच की जमीनी विवाद में जो रोहन को उकसाकर राम पर हमला करवाने का कार्य किया, हालांकि रोहन तैयार नहीं था, लेकिन सोहन ने आके कहा कि तुम ऐसे ऐसे करो, इस जमीन के लिए तुम राम के ऊपर हमला करो, ऐसा करने से तुम्हें ये जमीन मिल जाएगी। इतना कह के सोहन अपने घर चला गया और सोहन की बात मानकर रोहन ने इस जमीन के चलते राम पर लाठी से हमला कर दिया और राम लहूलुहान हो गए, रक्तरंजित हो गए, राम का सर फट गया। तो ऐसी स्थिति में जो अपराध सोहन द्वारा उकसाने का किया गया, उसी को कहते हैं दुष्प्रेरण। कोई अपराध करने के लिए यदि कोई उकसाने का जो कार्य होता है, जैसे मान लीजिए कि सोहन ने रोहन को अपराध करने के लिए उकसाया, तो जो कार्य सोहन द्वारा किया गया उकसाने का, भारतीय दंड विधान में धारा 107 के अनुसार इसी को दुष्प्रेरण कहते हैं। फिर से समझ लीजिए,
कि जमीनी विवाद के चलते सोहन ने रोहन को राम पर हमला करने के लिए उकसाया और सोहन अपने घर चला गया, उकसाकर अपने घर चला गया। और सोहन द्वारा उकसाने पर, जब उकसाया सोहन ने, तब रोहन ने राम पर हमला कर दिया। तो जो कार्य सोहन द्वारा किया गया उकसाने का, भारतीय दंड विधान में इसी को दुष्प्रेरण कहते हैं, और भारतीय दंड विधान की धारा 107 इसी दुष्प्रेरण के अपराध से संबंधित है। और अब हम आते हैं अपनी अगली धारा पर, और इसका नाम है धारा 108। जब बात आती है दुष्प्रेरण की, कि दुष्प्रेरण किया गया, उकसाया गया 107 में, तो फिर बात आती है कि कौन उकसाया, उकसाने वाला कार्य कौन किया, और उकसाने वाला जो कार्य करता है उसी को दुष्प्रेरक कहते हैं। और भारतीय दंड विधान की धारा 108 दुष्प्रेरक से संबंधित है। एक बार फिर से हम अपना पुराना डायग्राम बना लेते हैं। अभी जो हमने बनाया है, ये राम का घर है, ये रोहन का घर है, और थोड़ा सा दूर पे मोहन का घर है। और ये वो राम और रोहन के बीच जो जमीन है, इसके चलते जमीनी विवाद है, इसके चलते सोहन आया और सोहन ने रोहन को उकसाया, और उकसाने के बाद रोहन ने लाठी से राम के ऊपर हमला। प्रायः आप जिस भी क्षेत्र, जिस भी गांव या जिस भी कस्बे में रहते होंगे, प्रायः ऐसी गतिविधियां आपको देखने और सुनने को मिल जाती होंगी कि दो पड़ोसी हैं, उनके बीच में किसी भी चीज को लेकर विवाद है, तो एक तीसरा पड़ोसी वहां पर उपस्थित होता है और उन दोनों में से किसी एक को उकसाता है और अगले पड़ोसी पर वो हमला करने के लिए कहता है। तो ऐसी परिस्थिति में वह आदमी जिसने पड़ोसी को उकसाकर दूसरे पड़ोसी पर हमला करने के लिए कहा, उकसाया, तो ऐसे आदमी द्वारा जो उकसाने वाला कार्य है उसी को कहते हैं दुष्प्रेरण, और जिसने उकसाया उसको कहते हैं दुष्प्रेरक। अर्थात दुष्प्रेरक, जैसे राम और रोहन के बीच जमीनी विवाद है, सोहन ने आकर रोहन को उकसाया कि ताकि वह राम पर हमला कर दे, तो यहां पर जो सोहन द्वारा कार्य हुआ वह हुआ दुष्प्रेरण, और सोहन क्या हुआ, दुष्प्रेरक। तो यहां पर सोहन दुष्प्रेरक हो गया, दुष्प्रेरक, और सोहन द्वारा जो कार्य किया गया उसको दुष्प्रेरण कहते हैं, दुष्प्रेरण। अब हम आते हैं अपनी अगली धारा पर, इसमें एक और धारा है, धारा 108 क। साथियों, भारतीय दंड विधान की धारा 108 क ऐसे मामलों के दुष्प्रेरण से संबंधित है, ऐसे मामलों के दुष्प्रेरण से संबंधित है जिसका दुष्प्रेरण भारत से बाहर किया गया, अर्थात
भारतीय दंड संविधान की 108 का धारा, भारत से बाहर किए गए दुष्प्रेरण से संबंधित है। भारतीय दंड विधान की धारा 108 का भारत से बाहर किए गए दुष्प्रेरण से संबंधित है। अभी तक आपने 107 में देखा था, आईपीसी 107 में दुष्प्रेरण, आईपीसी 108 में दुष्प्रेरक, आईपीसी 108 का में भारत से बाहर किए गए दुष्प्रेरण। तो यह बात हुई दुष्प्रेरक और दुष्प्रेरण से संबंधित कि दुष्प्रेरक क्या है, दुष्प्रेरण क्या है। तो चूंकि अब दुष्प्रेरण किया गया अगर तो वह भी अपराध है। जिसने दुष्प्रेरण किया अर्थात दुष्प्रेरक, वह भी अपराध है, उसने भी अपराध किया, तो उसका जो दंड है वह भी किसी ना किसी धारा में होना चाहिए। तो जो धारा 109 है वह इसी दंड से संबंधित है, अर्थात जो धारा 109 है वह दुष्प्रेरण के लिए दंड से संबंधित है कि अगर कोई आदमी दुष्प्रेरण का कार्य करता है या उकसाने जैसा कार्य करता है जिससे कोई आपराधिक घटना घटित होती है, तो दुष्प्रेरण करने वाले दुष्प्रेरक व्यक्ति को भारतीय दंड विधान की धारा 19 के तहत उसे सजा दी जाएगी। अर्थात जो दुष्प्रेरण का दंड है वह भारतीय दंड संहिता की धारा 109 में इसका प्रावधान किया गया। यह था दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरक, दुष्प्रेरण के लिए दंड की। अब हम एक बार जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर लेते हैं। आईपीसी 107, आईपीसी 108, आईपीसी 108 का और आईपीसी 109। आईपीसी 107 क्या है साथियों? आईपीसी 107 है दुष्प्रेरण, आईपीसी 108 क्या है? आईपीसी 108 है दुष्प्रेरक, अर्थात जिसने दुष्प्रेरण किया। आईपीसी 108 का क्या है? भारत से बाहर दुष्प्रेरण और आईपीसी 109 क्या है? दुष्प्रेरण के लिए दंड। तो 7, 8, 107, 108 और 109 इसको आप सीरियल से याद कर लें। 107 में दुष्प्रेरण को परिभाषित किया गया है, 108 में दुष्प्रेरक को परिभाषित किया गया है और 109 में दुष्प्रेरण के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। अब आते हैं 108 का में, और 108 क्या है? भारत से
बाहर दुष्प्रेरण। तो इसको आप सीरियल से याद कर लें, 107, 108, 109 दुष्प्रेरण, 107 और 107 के बाद जो दुष्प्रेरण करता है दुष्प्रेरक, तो 108 में दुष्प्रेरक, और दुष्प्रेरण के लिए दंड भी होना चाहिए तो 109 में दुष्प्रेरण के लिए दंड। और 108 का क्या है, यह है भारत से बाहर किए गए दुष्प्रेरण के लिए। भारत से बाहर जो दुष्प्रेरण होता है वह आईपीसी 108 का में परिभाषित किया गया है। तो यह था दुष्प्रेरक, दुष्प्रेरण, दुष्प्रेरण के लिए दंड और भारत से बाहर दुष्प्रेरण। यह था दुष्प्रेरक और दुष्प्रेरण के संबंध। और अब हम आते हैं अपनी एक और अगली और महत्वपूर्ण धारा की तरफ, और उसका नाम है आईपीसी एक सौ बीस ए। साथियों, आगामी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती लिखित परीक्षा के दृष्टिगत भारतीय दंड विधान की जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, जहां से आपकी परीक्षा में, लिखित परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं, उन सारी धाराओं को हम एक एक करके यहां पर चर्चा करेंगे। और आपका जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें इन्हीं धाराओं से संबंधित जो प्रश्न होगा वो आपके सामने मिलेगा। और आपको लगेगा, आप यहां से जो पढ़ के जाएंगे और आप देखेंगे, आपको लगेगा क्या रे, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, और आप एक झटके में टिक मारकर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे। तो हम यहां पर देखते हैं भारतीय दंड विधान की धारा 120A। 120A साथियों आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित, आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है धारा 120A। हम आइए समझते हैं कि आपराधिक षड्यंत्र है क्या, और कब कहा जाएगा कि ये घटना या ये कार्य या ये बात आपराधिक षड्यंत्र के दायरे में आता है, कब हम ऐसा कहेंगे, आइए हम इसकी चर्चा करते हैं। यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा, यदि दो या अधिक व्यक्ति द्वारा कोई कार्य षड्यंत्र में, दो या उससे अधिक व्यक्ति द्वारा कोई कार्य किया जाता है, कैसा कार्य, यदि दो या अधिक व्यक्ति द्वारा कोई अवैध कार्य किया जाता है, किया जाता है, यदि दो या अधिक व्यक्ति द्वारा कोई अवैध कार्य किया जाता है अथवा यदि दो या अधिक व्यक्ति द्वारा कोई वैध कार्य
अवैध साधनों द्वारा किया जाता है। दो बातें इसमें हैं, आपराधिक षड्यंत्र में आईपीसी 120 ए कि यदि दो या अधिक व्यक्ति द्वारा कोई अवैध कार्य किया जाता है या यदि दो या अधिक व्यक्ति द्वारा कोई वैध कार्य अवैध साधनों द्वारा किया जाता है, मतलब कार्य तो वैध है लेकिन उसके लिए जो रास्ते अपनाए गए वो रास्ते अवैध थे, अर्थात कोई वैध कार्य अवैध साधनों द्वारा किया जाता है, तो ऐसा माना जाता है या समझा जाता है कि वह व्यक्ति आपराधिक षड्यंत्र में शामिल थे। वह व्यक्ति आपराधिक षड्यंत्र में शामिल है, अर्थात यदि दो या अधिक व्यक्ति दो व्यक्तियों द्वारा कोई अवैध कार्य किया जाता है या दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई वैध कार्य तो किया जाता है लेकिन अवैध साधनों द्वारा किया जाता है, तो ऐसा समझा जाएगा कि दो या अधिक व्यक्ति जिनके द्वारा यह किया गया कार्य है उसे आपराधिक षड्यंत्र की श्रेणी में रखा जाएगा। यह था आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है। और अब हम आते हैं अगली धारा पर कि जब अपराध होता है तो उसके बाद दंड भी होता है, जैसा कि अभी हम दुष्प्रेरक दुष्प्रेरण में देखे और फिर दुष्प्रेरण के लिए दंड देखे, वैसे ही जब अपराध होता है, जिस धारा में अपराध को परिभाषित किया जाता है फिर उसके आगे उस धारा का दंड भी होता है, तो अगली जो धारा है वह है आईपीसी 120 बी। अब आपराधिक षड्यंत्र को हमने देखा भारतीय दंड विधान की धारा 120 ए में, और अब हम चर्चा करते हैं 120 बी की। साथियों 120 बी यह आपराधिक षड्यंत्र जो होता है उसके लिए दंड जो है इसी धारा में। जब हमने जैसा बताया कि जब कोई अपराध किसी धारा में आता है तो फिर उसके बाद उस धारा से संबंधित उसका दंड भी आता है, तो 120 ए में क्या है, आपराधिक षड्यंत्र है, और 120 बी में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान किया गया है कि यदि कोई आदमी जिसके ऊपर आपराधिक षड्यंत्र धारा 120 ए का आरोप तय होता है तो जिस धारा के तहत आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड संबंधित व्यक्ति को दिया जाएगा व्यक्तियों को, वही धारा है 120 बी।
इसको याद करना बहुत ही सहज है कि आपराधिक षड्यंत्र 120 ए, तो आपराधिक षड्यंत्र के लिए जो दंड है वह है 120 बी। इसके लिए एक बार फिर से जो है आप पूरी बात सुन लीजिए कि यदि दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई कार्य, कोई यदि दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई अवैध कार्य किया जाता है, या फिर दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई वैध कार्य अवैध साधनों द्वारा किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जो कार्य है वह आपराधिक षड्यंत्र की श्रेणी में आएगा, जिसे परिभाषित किया गया है 120 ए में, और उस आपराधिक षड्यंत्र का जो दंड है, आपराधिक षड्यंत्र का जो दंड है वह आएगा भारतीय दंड विधान की धारा 120 बी में। तो यह है आपराधिक षड्यंत्र और आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड, आपराधिक षड्यंत्र 120 ए में और आपराधिक षड्यंत्र के लिए जो दंड है वह है धारा 120 बी में। यह था आपराधिक षड्यंत्र और आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड। अब साथियों हम हमारा जो अगला टॉपिक है वह भारतीय दंड विधान में राजद्रोह से संबंधित है, और यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि राजद्रोह क्या है, राजद्रोह की परिभाषा किस धारा में है और राजद्रोह का दंड किस धारा में है। तो हम अपनी अगली भारतीय दंड विधान की कक्षा में आईपीसी के राजद्रोह से संबंधित जो धाराएं हैं उसको हम समझेंगे। तब तक आप एक एक बिंदु को, एक एक धाराओं को पढ़ते रहें। अपनी आगामी परीक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जो भी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की लिखित परीक्षा दे रहे हैं, बैठने जा रहे हैं, वह एक एक धाराओं को पढ़ते रहें, उसको अपने जेहन में उतारते रहें, अपने मन में उतारते रहें, मन में बैठाते रहें, और क्वेश्चन पेपर के प्रारूप को देखते रहें। और ये उनके लिए बहुत बड़ा अवसर होगा, 9534 पदों की ये भर्ती है, और एक एक चीजों को अगर आप पढ़ते चलेंगे तो आप परीक्षा में बहुत ही आसानी से पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। कोरोना का कहर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है साथियों, ऐसे में घरों से बाहर कम निकलिए, मास्क का प्रयोग करिए, सैनिटाइजर को लगाते रहिए, और इसी तरीके से अपनी ऑनलाइन क्लासेस की मदद से अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। और इसी के साथ हम राजद्रोह से संबंधित धाराओं के साथ अपनी अगली भारतीय दंड विधान की कक्षा में मिलते हैं। तब तक साथियों नमस्कार, जय हिंद।